के वक्त में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और खासकर कान फोड़ू डीजे एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बलरामपुर जिले के तिरसुरी गांव का एक शख्स संजय अचानक चक्कर खाकर गिर गया और डॉक्टर ने परीक्षण किया तब पता चला कि उसे ब्रेन हैमरेज हो गया है और उसके दिमाग में खून बह रहा है, जबकि उसे किसी तरह की कोई चोट भी नहीं लगी। पीड़ित संजय रायपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जिस वक्त उसे चक्कर आया उस दौरान वो डीजे के पास ही था और परिवार वाले भी ये आशंका जता रहे हैं कि डीजे की तेज आवाज होने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। हालांकि अभी रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसा व्यक्ति का केस हमारे सामने में आया हुआ था, जिस मरीज को जब लाया गया था तो उस समय व्यक्ति को काफी तेज चक्कर आ रहा था और उल्टी की शिकायत थी। व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था और व्यक्ति जो है चक्कर के शिकायत से यहाँ आया हुआ था, जिसमें ऐसा प्रारंभिक जांच में तो ऐसा लग रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण से इस तरह की घटना जो है घटित हुई है। और ये डीजे जो अब जानलेवा बनता जा रहा है, इसकी स्थिति को देखते हुए अब कुछ और सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और सूरजपुर में